अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ स्किन की रीटचिंग के डिटेल के अंदर बात करूँगा कि स्किन की रीटचिंग कितने मेथड के साथ हम रीटच कर सकते हैं। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी स्किन की रीटचिंग की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर की है, जिसके अंदर हमने मिक्सर टूथ ब्रश की मदद से स्किन की रीटचिंग की थी। तो आज हम स्किन की रीटचिंग जो है मिक्सर टूथ ब्रश से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताऊँगा कि चार मेथड ऐसे हैं जिसके अंदर आप लोग ईजी वे के मेथड के साथ जो है अपनी स्किन को रीटच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करवा दूँ कि स्किन की स्मूथिंग का जो है ब्रश है और स्किन की रीटचिंग का जो है एक्शन है, और तीसरे नंबर पर जो स्टेप है मिक्सर टूथ ब्रश की। तो गाइज, आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैं इस चीज़ के ऊपर गाइड करता हूं कि स्किन की रीटचिंग के मेथड जो हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्किन की रीटचिंग का एक जो है ब्रश भी लेके आया हूँ, वो भी आज आप लोगों को रिव्यू करवाऊँगा, और स्किन की रीटचिंग का जो एक्शन है उसका भी रिव्यू करवाऊँगा, और देन मिक्सर टूथ ब्रश के ऊपर कंप्लीटली डिटेल के अंदर आप लोगों को गाइड करूँगा। तो गाइज, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है स्किन की रीटचिंग। अगर किसी भाई को नहीं आती, जो भाई फोटोशॉप के अंदर स्किन की रीटचिंग बेटर देन करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। तो अगर आप लोग आज की ये डिटेल वीडियो देख लेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को स्किन की रीटचिंग नहीं आएगी। तो अगर आप लोग ये वीडियो फुल वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी से फंटेस्टिक स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। 3 से 4 मेथड डिटेल के अंदर आप लोगों को गाइड करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर मुझे कमेंट करते थे साथ भाई हमारे फोटोशॉप के अंदर स्किन की रीटचिंग का एक्शन शो नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पर स्किन की रीटचिंग का जो ब्रश होता है वो हमारे साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है कि गाइज, आज आप लोग ये वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आप लोग स्किन की रीटचिंग बहुत ही अच्छे परफेक्शनल तरीके के साथ कवर कर सकते हैं। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई मेरी वीडियो के ऊपर न्यू है, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन कॉल करें, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, 219 अबव जो मैंने यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई हैं, जो कि आप लोग वॉच करके अपनी फोटो एडिटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहूंगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो गाइज, आज की वीडियो हमारी डिटेल वीडियो है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीटली स्किन की ट्यून्स और स्किन की रीटचिंग के A to Z मेथड को शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोग आज की वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, आज की वीडियो काफी ज्यादा फंटेस्टिक होने वाली है। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, तो गाइज, जैसे कि यह स्किन की रीटचिंग का एक्शन है, यह स्किन स्मूथिंग का यह ब्रश है, और यह हमारी सैंपल के तौर पर पिक्चर्स है। इसके ऊपर आप लोगों को डिटेल के साथ मैं कवर करूंगा कि आप लोग किस तरह अपनी फ़ोटो को बेटर देन एडिटिंग कर सकते हैं, स्किन की नेचुरल रीटचिंग कर सकते हैं, स्मूथिंग के अंदर रीटचिंग कर सकते हैं। ये जितनी भी बातें आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइज, आज की वीडियो आप लोगों के लिए है कि जिन लोगों को स्किन की रीटचिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो इंशाल्लाह वो आज की वीडियो वॉच कर लेंगे। मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो स्किन की रीटचिंग 100% परफेक्शनली के तौर पर एडिटिंग कर सकते हैं। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, इसका जो लिंक है ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, इसको मैं डाउनलोडिंग करके आप लोगों के सामने रिव्यू करवा दूं कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ये लिंक को, और यहां पर मैं अपनी टैब के अंदर ओपन करके इसको जो है डाउनलोडिंग कर लेता हूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है मुझे इस चीज़ के ऊपर भी कमेंट करते हैं कि साथ भाई ये चीज़ हमारे PC के ऊपर डाउनलोड नहीं हो रही या हमारे PC के ऊपर मसला आ रहा है। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है गूगल क्रोम के ऊपर भी कर सकते हैं, मोबाइल के गूगल क्रोम के ऊपर भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। ईजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिंक को क्लिक किया और यहाँ पर लिंक का हमारे सामने इस तरह का प्रीव्यू हो रहा है। तो यहाँ पर ईजी वे से मेथड के साथ जो है हम यहाँ पर डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड एनी वे का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक किया, 13 MB के ये फाइल का साइज़ है। आप ईजी वे के मेथड के साथ यहाँ डाउनलोड करें और यहाँ पर आप लोगों के सामने ये चीज़ सामने आ जाएगी, ठीक है। तो देन आगे चलते हैं, ये जो है आप लोगों के सामने ये विनर की फाइल आ जाएगी। इसे ईजी वे के मेथड के साथ आप लोगों ने जस्ट उल्टा क्लिक करना है एंड एक्सट्रीट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये मुझे लोकेशन पूछ रहा है, यहाँ पर लोकेशन मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ही सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पर ओके करूँगा। तो गाइस, ये जो है मेरा फोल्डर यहाँ पर आ चुका है।
ठीक है। तो इसके अंदर भी मैंने यही सेम तीन चीज़ें जो है जो डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई हैं वही चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोडिंग के लिए मिल जाएंगी। सैंपल के तौर पर ये पिक्चर्स मिलेगी, सैंपल के तौर पर ये जो है आप लोगों को वॉच कर रहे हैं कि यहाँ पर स्किन की रीटचिंग का एक्शन है और स्किन की रीटचिंग स्किन स्मूथिंग का जो है ब्रश है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम टाइम वेस्ट नहीं करते जल्दी से फोटोशॉप के अंदर बढ़ते हैं। मैं यही चाहता हूं कि थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा शेयर करूं। अगर आप यूज़र हैं 2022 वर्जन के, आप 2022 वर्जन के अंदर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, 2022 के अंदर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 2019 वर्जन को यूज़ करूंगा। तो गाइज अगर आप लोगों को 2019 वर्जन चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने कमेंट करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके ऊपर भी जो है फोटोशॉप शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं अब फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर इजीली जो मैं अपनी फ़ोटो को ड्रॉप करूँगा अपने फोटोशॉप के अंदर, और यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर जो है हर चीज़ शेयर करूँगा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्किन की रीटचिंग। स्किन की रीटचिंग के ऊपर मैं जैसे कि यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश है, ये मिक्सर टूल ब्रश है, मिक्सर टूल ब्रश से हम स्किन की रीटचिंग करते थे। इसकी जो डिटेल सेटिंग है ये भी आप लोग वॉच कर सकते हैं, ये डिटेल सेटिंग है। तो आज आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आप लोग वीडियो फुल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग 100% जो है स्किन की रीटचिंग को समझ जाएंगे और स्किन की रीटचिंग को प्रोफेशनल तौर पर रीटच करेंगे। तो देन पहले हम मिक्सर टूल ब्रश की मदद से स्किन की रीटचिंग करते थे। मिक्सर टूल ब्रश एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों की स्किन के ऊपर जो डार्क और वाइटिंग कलर्स को मिक्सिंग करके आप लोगों के सामने कलर जो प्रव्यू करता है वो उसको हम मिक्सर टूल ब्रश बोलते हैं। तो मिक्सर टूल ब्रश जो है यहाँ पर उसकी जो सेटिंग हम पेस्ट करते थे वो सेटिंग हम अबर अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो भी सेम इस तरह की स्किन की रिटचिंग करेंगी। लेकिन मैं आप लोगों को 2 से 3 मेथड इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ईजिली जो है स्किन की रिटचिंग को समझें और स्किन की रिटचिंग को प्रोफेशनल तौर पर स्किन को रिटच करें। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है ब्रश को इंस्टॉल करते हैं। ईजी वे सा मेथड है, जैसे कि ये ब्रश है, ये ब्रश को मैं जस्ट ओनली डबल क्लिक करूँगा और ये ब्रश ऑटोमेटिकली मेरे फोटोशॉप के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा तो गाइज ब्रश कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, जैसे कि ये ब्रश टूल है, यहाँ पर ब्रश टूल पर यहाँ पर हम स्लाइड करके नीचे जाएंगे। यहाँ पर ये देखें स्किन स्मूथिंग साथ बीबीसी स्टूडियो का यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रीव्यू हो रहा है। इसके अंदर 2 ब्रशेज हैं, 1 और 2, ठीक है। तो इनको यूजिंग का मेथड आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड जो है हम स्किन की स्मूथिंग करेंगे। स्किन की जो स्मूथिंग करेंगे हम किस तरह करते हैं, जैसे कि हमने ब्रश को इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर मैं डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ, ठीक है, अपनी फ़ोटो को, और यहाँ पर जो है पिक्चर्स को थोड़ा सा जूम करके अपनी फ़ोटो के ऊपर जो छोटे छोटे से डॉट्स हैं उसको रिमूव कर लेंगे। अगर आप लोग स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे से डॉट रिमूव करना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो ये ब्रश के अंदर जो है आप लोग जस्ट वैसे ही यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जो है प्रोफेशनल लुक जो है बन के आएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पॉटल टूल को यूज़ करना चाहता हूँ। उसके अंदर ये है कि मेरे फेस के ऊपर जो छोटे छोटे से निशान हैं, जो छोटे छोटे डॉट हैं, ब्लैक कलर के हिट्स हैं, वो कवर हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर हमारी स्किन के अंदर जो डार्कनेस शो नहीं होगी। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं छोटे छोटे से डॉट्स हैं, इसे हम इजीली जो है कवर कर लेते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल काम नहीं है, जितना फास्टली आप लोग वर्क करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड करना चाहता हूँ स्किन स्मूथिंग का जो ब्रश है हम किस तरह यूज़ करेंगे फोटोशॉप के अंदर, उसकी डिटेल सेटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस वीडियो को आ जा कि आप लोगों ने फुल एंड तक जरूर वॉच करना है। तो जैसे कि मिक्सर टूल ब्रश के साथ हम पहले रीटच करते थे, आज जो है हम स्मूथिंग ब्रश टूल के साथ जो है यहाँ पर करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर स्मूथिंग टूल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर राउंड नीचे आके जैसे कि यहाँ पर जो मैंने ब्रश इंस्टॉल किया हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी स्ट्रोनिंग यहाँ पर उसकी जो सेटिंग है उसको आप 25 अराउंड 30 के ऊपर रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 25 या 27 के ऊपर जो है अराउंड यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 28 के ऊपर जो है एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं स्ट्रेंज है, तो यहाँ पर स्ट्रेंज को आप 28 के ऊपर जो है सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप स्मूथिंग टूल को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो गाइस ये टूल क्या काम क्या करता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को बड़ा करते हैं, जैसे कि हम हेयर्स को सेट करते हैं लैटिफाई के अंदर जाके, ये उसकी जो है स्मार्ट जो है टूल उन्होंने क्रिएट किया गया, इसके अंदर हमने वो ब्रश को इंस्टॉल कर लिया और उस ब्रश को हम यहाँ पर नीचे जाके सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ब्रश को जो है हम ईजिली यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये देखें ईजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें ईजीली मेथड के साथ जो है यहाँ पर
स्किन स्मूथ हो रही है। तो ये तो हम ब्रश की मदद से कर रहे हैं, ये देखें कितनी फास्टली और कितनी ही स्मूथिंग जो है स्किन की रीटचिंग होके हमारे सामने आ रही है। तो गाइस देखें ब्रश को मैं किस तरह यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। इजीली जो है आप लोग इस तरह यूज़ कर सकते हैं। माउस के बटन को प्रेस करते हुए आपने माउस के बटन को छोड़ना नहीं है, जहाँ पर आप लोगों ने रखा है तो वहाँ पर जो है आप लोग इस तरह जो है कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह जो है आप मिक्सिंग करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है स्किन की रीटचिंग जो है होके सामने आएगी। ये देखें ईजी वे सा मैथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें ईजीली जो है आप लोग यहाँ पर स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। ये देखें ठीक है, यहाँ पर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर देखें स्किन की रीटचिंग उसने स्मूथिंग कर दी है। जस्ट इजी वे सा मेथड है, कोई ब्रश की सेटिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट ओनली उसकी स्ट्रेंथ की जो साइज़ है उसको हमने कम कर लिया है। उसका ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन ज़्यादा गंदी है, कहने का मतलब फेस के ऊपर ज़्यादा डॉट हैं, फेस के ऊपर ज़्यादा लेयर्स हैं, ज़्यादा जो है फेस के ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए हैं, आप इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। जैसे कि मेरी स्किन जो है ज़्यादा करप्ट है, स्किन के ऊपर ज़्यादा जो आप अराउंड 50 के अराउंड जो है यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आगे जो था 27 या 28 के ऊपर कर रहा था, अब जो है मैं 48 के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है इस टूल्स को यूज़ करूँगा। ये देखें ईजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। गाइज आप लोग ईजी वे के मेथड के साथ ये भी टूल्स को यूज़ करके अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो कि आप लोग यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर से लर्न करके अपनी फोटो एडिटिंग को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद स्किन की रीटचिंग के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर ये देखें इजीली जो है मैं राउंड उस साइड पर ही स्लाइड कर रहा हूँ, देखें ये देखें इजीली जो है यहाँ पर जो है हमारी स्किन की यहाँ पर भी रीटचिंग हो गई है। ये जो है मैंने इसकी स्मूथनेस को थोड़ा सा ज़्यादा किया था, मेरी पीछे थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी, इसकी वजह से जो है मैंने इसको भी यूज़ कर लिया। ये देखें ठीक है, अराउंड आप जो है ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर अराउंड 28, 29, 26 के ऊपर जो है राउंड यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर इसे इजीली यूज़ करता हूँ। देखें अब नोज़ है, नोज़ के ऊपर आप लोग जो है ऊपर से नीचे को स्लाइड करें, ये नहीं है कि आप लेफ्ट राइट ऐसे स्लाइड करें, नोज़ जैसे कि ऊपर को नीचे को स्लाइड हो रही है अप डाउन, तो आप अप डाउन ही स्लाइड करेंगे। ये देखें ये मैं अप डाउन स्लाइड कर रहा हूँ, माउस के बटन को प्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें जिस साइड पर आपकी शेप जो है फेस की कन्वर्ट हो रही है, आप माउस को उस टाइप ही कन्वर्ट करें, ठीक है, उस टाइप के ही स्लाइड करें, ठीक है। ये नहीं है कि जो अप डाउन हो रही है वहाँ पर आप लोग लेफ्ट राइट यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं है कि जहाँ पर आप लेफ्ट राइट यूज़ होना हो तो वहाँ पर आप अप डाउन यूज़ कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं गाइज, आप लोग फोकस के अंदर रखा करें। ये देखें मैं ईजीली स्टेप के साथ जो है यहाँ पर इसको स्मूथिंग कर रहा हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने इसका रिव्यू दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक लगेगी। तो गाइज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयरिंग ज़रूर करना है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो। तो डिटेल के अंदर आप लोगों के इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग वन क्लिक करके यहाँ पर जो है स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखें इजी वे सा मेथड है कि आप लोग यहाँ पर ब्रश को यूज़ करके इजीली जो है यहाँ पर जो है कर सकते हैं। ये ओल्ड वर्जन जैसे कि CS6 के अंदर भी आप लोग इस ब्रश को ब्रश के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, और लेटेस्ट वर्जन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें यहाँ पर इजीली जो है ब्रश की मदद से यहाँ पर मैंने अपनी स्किन की रीटचिंग कर ली है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी वाइटिंग है, वाइटिंग से शुरू करता हूँ और डार्क के अंदर थोड़ा सा डल कर देता हूँ। ये देखें स्मूथिंग जो है स्किन आप लोगों के सामने रीटच होके आएगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस तरह की और भी टिप्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पर यूज़ करके अपनी पिक्चर्स की एडिटिंग को और भी ज़्यादा मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ईजीली मेथड के साथ जो है यहाँ पर जो है हमने स्किन को थोड़ा सा स्मूथ किया, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश को छोटा करके भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रश को यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट क्लिक किया यहाँ पर ब्रश को बड़ा किया, ठीक है, ऐसे जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है गाइस। इंशाल्लाह आप लोग वर्क किया करें, मेहनत किया करें, तो आप लोगों के सामने भी आप लोग भी ये चीज़ को यूज़ करके
बहुत ही अच्छी फंटेस्टिक जो है स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये स्किन को स्मूथ किया है मैंने, स्किन को बिल्कुल ही हाई डेफिनेशन रिजल्ट के अंदर जो है स्मूथ हो रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग जैसे कि ब्लैक कलर्स के जो फेस के ऊपर डॉट्स होते हैं, वो हेड्स होते हैं, उसको रिमूव कर लिया करें, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और इन चीज़ों को फोकस के अंदर नहीं रखते तो यहाँ पर हमारी स्किन जो है डार्कनेस होनी शुरू हो जाती है, उसके कलर्स अच्छे नहीं निकलते। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा अराउंड। माउस के बटन को प्रेस करते हुए, ये याद रखना है आप लोगों ने, बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि माउस के बटन को प्रेस करते हुए आप इसको अप डाउन लेफ्ट राइट स्लाइड करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ये देखें, तो गाइस ये देखें इजी वे के मेथड के साथ जो है स्किन को हमने स्मूथिंग के अंदर कन्वर्ट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर देखें, इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्रश को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, ये ब्रश है इसको डबल क्लिक करके आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना, जस्ट राइट क्लिक किया और ओपन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोग इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर जो है आप लोग स्मूथिंग टूल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर ये आपके सारे ब्रश की कैटेगरी आ जाएंगी, लास्ट पर जो है ब्रश है इसके ये पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक स्मूथ ब्रश भी है, इसे भी हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी ये है कि हमारी स्किन काफ़ी अच्छी फंटेस्टिक बन के आएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को जूम आउट करके दिखा दूँ कि पिक्चर्स के ऊपर आप स्मूथ तो हो गए, लेकिन पिक्चर्स के ऊपर इस तरह लग रहा है कि यहाँ पर भी थोड़े से धब्बे हैं, यहाँ पर भी थोड़े से धब्बे हैं, तो इनको जो है हम दूसरे टूल्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टूल को हमने ये यूज़ किया, अब सेकंड टूल हमने ये यूज़ करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग यूज़ कर लेंगे थोड़ा सा बड़े स्टेप के अंदर, यानी कि थोड़े से ब्रश को बड़ा करके यूज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने भी काफ़ी फंटास्टिक जो है लुक बन के आएगी। ठीक है, ये मैं ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरी स्किन के ऊपर जो है ये प्रॉपरली जो है कवर हो जाए। ये देखें, जो स्किन के ऊपर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि ब्लैक कलर्स के डब्बे वगैरह शो हो रहे हैं, जैसे कि मुझे पता चल रहा है कि ये जो है स्किन के ऊपर थोड़े से डार्कनेस और ये ब्लैक डब्बे, ये जो लास्ट वाला जो मेथड है ना, ये आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है तो आपकी स्किन जो है काफ़ी फंटास्टिक बन के आप लोगों के सामने आएगी। ये देखें, अब जो है यहाँ पर मैं अगर करता हूँ तो ये देखें ये थोड़ी सी स्मूथिंग और भी कर रहा है, जैसे कि ये निक के ऊपर मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, ये देखें ईजीली जो है यहाँ पर आप लोग रीटच करें। ये देखें, तो गाइस डिटेल वीडियो है, इंशाल्लाह आप लोग अगर आज की वीडियो वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप काफ़ी अच्छी फंटेस्टिक जो है स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये स्मूथिंग हमारी स्किन हो चुकी है। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर टू था। स्टेप नंबर फर्स्ट जो था मैंने आप लोगों को बताया कि इसका फर्स्ट जो है स्किन का ये टूल्स है। ठीक है, इसको आप स्मूथ करें और इसके बाद स्मूथनर ऊपर यूज़ कर लें। ठीक है, ये देखें वेरी ईजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये देखें, तो गाइस ये हमने दो स्टेप के अंदर जो है स्किन को स्मूथ कर लिया है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ये देखें कितना इजी वे सा मेथड है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ स्मूथ के नाम से। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस को क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं इसके ऊपर जेपीजी फाइल के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं लिख लूँगा स्मूथ, स्मूथ ब्रश। ये हमने स्मूथ ब्रश की मदद से रिटच की है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो हमने स्मूथ ब्रश की मदद से यहाँ पर रिटच कर लिया, जैसे कि ये पीछे से हमारे सैंपल के तौर पर आ चुकी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, अराउंड आप लोगों को बिफोर आफ्टर रिव्यू करवाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों के एक्शन के ऊपर बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, ये देखें ये स्किन और इस पिक्चर्स के अंदर स्किन देखें। ठीक है, कितनी इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की सेम वर्क करना तो ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से जल्दी से डाउनलोड करें और अपने फोटोशॉप के अंदर इंस्टॉल करें और इनको यूज़ करें। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं एक्शन के, स्किन रीटचिंग एक्शन। स्किन रीटचिंग एक्शन के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो क्रिएट की थी। स्किन की रीटचिंग के ऊपर जो है मैं आप लोगों को उससे पहले आप लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लूँ। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, अब पिक्चर हमारी जो है फर्स्ट वाली आ चुकी है, इसके ऊपर हम एक्शन की बात करेंगे। तो गाइस स्किन की रीटचिंग के ऊपर जो एक्शन आप लोगों का क्या किरदार अदा करता है कि आपकी स्किन का जो टेक्सचर होता है, जैसे कि ये छोटे छोटे से डॉट्स स्किन के ऊपर शो हो रहे हैं, ये टेक्सचर्स को हाई पास करता है। हाई पास करने के बाद इसके ऊपर आप मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ करते हैं, तो मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ करते हुए आप लोग इनको परफेक्शनल कलर्स के नेचुरली रीटचिंग के ऊपर जो है रीटच कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसको रीटचिंग की एक्शन के रेफरेंस से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेयर्स को मैं डुप्लीकेट लेयर्स कर लेता हूं। ठीक है,
जैसे कि मैं हर पिक्चर्स के अंदर डुप्लीकेट लेयर ये करता हूँ कि जब भी मेरे पिक्चर्स के ऊपर कुछ अबव वर्क हो जाए जो कि मैं बैक जाना चाहूँ तो मुझे फिर जो है पिक्चर्स को डिलीट नहीं करना पड़ता और जो बैक लेयर होती है उसके ऊपर भी हम वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने डुप्लीकेट लेयर कर ली, उसके ऊपर भी मैंने सेम वही मेथड अप्लाई किया कि आप लोग छोटे छोटे से डॉट जो स्किन के ऊपर होते हैं वो रिमूव ज़रूर किया करें। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये छोटे छोटे से डॉट्स हैं, ये भी ब्लैक हेड्स है, इसे इजीली जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ये देखेंगे छोटे छोटे से जो डॉट्स हैं ये आप लोग ज़रूर जो है कवर किया करें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये देखें और यहाँ पर भी जो छोटे छोटे से डॉट्स हैं वो मैं रिमूव इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी स्किन के ऊपर जो है प्रोफेशनल लुक जो है बन के आए। तो अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे एक्शन। ठीक है, विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक्शन का जो शॉर्ट की है Alt F9 है, तो यहाँ पर हम जो है F9 को प्रेस करते हैं तो इस तरह का हमारे एक्शन का इंटरफेस जो है आ जाता है। और यहाँ पर इजी वे के मेथड था, यहाँ पर हमने लोड एक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पर लोड एक्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर स्किन की रीटचिंग एक्शन शो हो रहा है तो मैंने वो क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा एक्शन आ चुका है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो है मैं इसको मर्च विजिबल कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो एक्शन है इसको मैं प्ले करूँगा इजी वे के स्टेप के साथ। ये देखें हमारे एक्शन के ऊपर हाई पास लग गया, उसके ऊपर ब्लर भी लग गया और हमारे सेकंड जो है लेयर्स को सिलेक्ट किया, इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश जो है हमारा सिलेक्ट हुआ हुआ है। मिक्सर टूल ब्रश की अब आप लोगों को ये बताऊँगा, मिक्सर टूल ब्रश जो है आप लोगों को ये दो कलर्स को मिक्स कर लेता है, जैसे कि यहाँ पर जो है क्रीमी कलर्स और वाइटिंग कलर्स को जो मिक्सिंग करेगा ये एक अच्छा सा कलर जो है हमारे सामने पर व्यू करेगा। तो इसकी जो डिटेल सेटिंग है, जैसे कि आपकी स्किन ज़्यादा गंदी हो, स्किन के ऊपर ज़्यादा रश हो, रश से मुराद के ज़्यादा डॉट्स हों, ज़्यादा स्पॉट्स हों, स्किन जो आप लोगों की डार्कनेस के अंदर है उसके ऊपर ज़्यादा स्किन के ऊपर जो है छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं जो ज़्यादा बन गए हुए हैं, तो पिक्चर्स के अंदर जो है आप लोग यहाँ पर इसके वेट को 25 के अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को वाजिया शो हो रही है कि मैंने सेटिंग जो है यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर मैं सेटिंग जो है मेरी स्किन जो है बहुत अच्छी प्रोफेशनल तरीके पर, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है जिसके ऊपर ज़्यादा डॉट्स एंड डॉट्स जो थे मैंने वो पहले रिमूव कर लिए हैं। यहाँ पर इसकी मैं अराउंड सेटिंग जो है 22 के ऊपर रखूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों की यहाँ पर जो है स्किन ज़्यादा ख़राब है तो यहाँ पर आप इसको 35 के अराउंड जो है कर सकते हैं, 33, 34, 35 के अराउंड यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपकी पिक्चर्स की स्किन ज़्यादा ख़राब है। तो अगर मेरी स्किन जो है नेचुरली इस तरह की है तो आप अराउंड जो है 22, 20 के ऊपर जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट इसका 22 रखते हैं। मिक्सर टूल ब्रश को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर इसको जो हमने क्लीन ब्रश के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पर फर्स्ट टूल के ऊपर हमने क्लिक नहीं किया, सेकंड टूल के ऊपर हमने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर यूज़फुल मिक्सर जो है उससे हमने कस्टम के ऊपर रखा है, वेट इसका जो है 22 है, लोड इसका 75 है, मिक्सर इसका 19 है, फ्लो इसका 100 है और नीचे जो है यहाँ पर जो है स्मूथिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये 10% है। 10% इसलिए कि आप लोग की स्किन जो है थोड़ी सी स्मूथिंग के अंदर भी कन्वर्ट हो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल स्किन की रीटचिंग, जो कि नेचुरली रहती है स्किन के ऊपर, हम ज़्यादा स्मूथिंग नहीं करते, कार्टून टाइप पिक्चर्स को कन्वर्ट नहीं करते और नेचुरल स्किन की रीटचिंग जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्शन को प्ले कर लिया इजी वे के मेथड के साथ, यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये देखें ये मिक्सर टूल ब्रश को मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अराउंड कीबोर्ड के बटन को किसी को भी टच नहीं किया और माउस के बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर इजीली स्मूथ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें ये नेचुरल स्किन की रीटचिंग बन के हमारे सामने आएगी, टेक्सचर टाइप जैसे कि आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे टेक्सचर रहे और रियलिस्टिक आपकी स्किन जो है यहाँ पर शो हो। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर होते हैं जो कि हम वेडिंग के अंदर जो वर्क करते हैं, वेडिंग के अंदर हम इन पिक्चर इसी जो है टूल्स की मदद से हम रीटच करते हैं, जैसे कि वेडिंग के अंदर हम लोग ये फोकस के अंदर रखते हैं कि मेकअप वगैरह सबने लोगों ने किया होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती रीटचिंग की, तो फिर भी हम जो है यहाँ पर नेचुरल स्किन की रीटचिंग वेडिंग शूट के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनडोर के अंदर भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो लोग जिस टाइप की भी हमें रीटचिंग बोलते हैं इंशाल्लाह हम वैसे ही रीटच प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईजीली जो है ये देखिए मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ कि ईजी वे के मेथड के साथ जो है आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं ईजीली जो थोड़ा सा फास्टली वर्क कर रहा हूँ, ये देखें थोड़े टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ये देखें इजी वे के मेथड के साथ जो है आप लोग यहाँ पर इस तरह की सेम रीटचिंग कर सकते हैं नेचुरली। ये देखें यहाँ पर भी थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ नोज़ के ऊपर भी, और ये देखें
ईजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। इसका भी बिफोर आफ्टर आप लोगों को शो करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है समझ आएगी कि उस वो चीज़ क्या काम करती थी और ये चीज़ क्या काम करती है। ये देखें, ये नेचुरली स्किन की रीटचिंग हो गई, जैसे कि हम इसे हेयर्स के ऊपर भी यूज़ करेंगे। हेयर्स के थोड़े थोड़े से डॉट्स रहेंगे लेकिन ये कवर हो जाएंगे। ये देखें, ये देखें, वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है मैं फर्स्ट लेयर को मर्च डाउन कर देता हूँ दोनों लेयर्स को एक करने के लिए। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ये देखें, थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, देखें कितना इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग इजीली जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गाइस रीटचिंग, जो है हमने एक्शन के रेफरेंस से कर ली है। ठीक है, तो ये तो हमने एक्शन के जरिए से की है। अब हम बात करेंगे मिक्सल टूल ब्रश की जो है डिटेल के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कवर कर लूँ, थोड़ा सा ब्रश बड़ा करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं कंट्रोल शिफ्ट एस करूँगा, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करने के लिए। ये इसके ऊपर मैं टाइपिंग कर दूँगा एक्शन, क्योंकि ये हमने एक्शन की मदद से इसको रिटच की है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको भी सेव कर लिया। अब आप लोगों को ये दिखाऊँगा कि आप लोग जो है जो हमने स्मूथिंग की थी और स्मूथिंग और एक्शन के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये स्मूथिंग है और ये जो है ये स्मूथिंग जो पिक्चर शो हो रही है और यहाँ पर जो है नेचुरल स्किन की रिटचिंग शो हो रही है। ये देखें, ये देखें, दो पिक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मूथिंग है जो कि हमने स्मूथिंग ब्रश को यूज़ करते हुए की है। ठीक है, ये हमने एक्शन को यूज़ करते हुए की है। तो ये देखें, इन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि नोज़ के ऊपर से आप लोग यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं, मैं जितनी मर्जी जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ कि पिक्चर्स जो है ये देखें, ये नेचुरल स्किन की रीटचिंग है, ये स्मूथिंग के अंदर है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज़ को ज़्यादा सराहते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा जो है यूज़ करना चाहते हैं अपनी पिक्चर्स की रेजोल्यूशन के हिसाब से। अब गाइज नेक्स्ट बात करते हैं कि मिक्सल टूल ब्रश के ऊपर। इसको मैं फर्स्ट लेयर को डिलीट कर देता हूँ एक्शन वाली को, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी सेव है। अब हम बात करते हैं मिक्सल टूल ब्रश। तो गाइस मिक्सल टूल ब्रश के इसके आप लोगों को ये बताऊंगा मिक्सल टूल ब्रश क्या काम करता है। जैसे कि ये पीछे थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा ग्रे कलर है। अगर इसके ऊपर मैं मिक्सल टूल ब्रश को यूज़ करूँगा, ये दोनों कलर्स को मिक्सिंग करके एक कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये देखें, ये देखें, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ कि ये ऊपर वाला थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड है, नीचे वाला थोड़ा सा ग्रे बैकग्राउंड है। मिक्सर का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ कलर्स को मिक्सिंग करके एक कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। ये देखें, ठीक है, इसने नीचे वाला कलर ऊपर डार्क वाला कलर मिक्स कर दिया, लेकिन ये फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि नीचे से कलर कुछ और है, ऊपर से कुछ कलर और है। तो मिक्सर टूल ब्रश हमारी स्किन के ऊपर भी सेम यही वर्क करते हैं कि जो नीचे से ब्लैक हेड्स होते हैं या जो ब्लैक कलर की स्किन होती है, जो कि ऑरेंज टाइप की स्किन होती है, उसके अंदर और इसके अंदर जो दोनों को मिक्स कर देता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मिक्सर टूल ब्रश के ऊपर। ये भी काफ़ी अच्छी फंटेस्टिक टूल है जो कि आप लोग वॉच करके इसके ऊपर लर्निंग करके अपनी पिक्चर्स के ऊपर भी काफ़ी स्मूथिंग एंड शार्पिंग के अंदर स्किन की रिटचिंग कर सकते हैं। तो आज आप लोगों के साथ डिटेल के अंदर मिक्सर के ऊपर जो है डिटेल बताऊँगा कि डिटेल के अंदर आप लोग स्किन को किस तरह रिटच कर सकते हैं। वेरी फंटेस्टिक इजी वे सा मेथड है। तो गाइज वीडियो को आज की आप लोगों ने फुल एंड तक जरूर वॉच करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेयर्स को मैं डुप्लीकेट लेयर्स कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मेरी स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स थे वो मैंने पहले भी ही रिमूव कर लिए थे। अब बात करते हैं मिक्सर टूल ब्रश को। तो गाइज यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश की जो सेटिंग है सेम वही सेटिंग है। अगर आप लोगों की स्किन ज़्यादा गंदी है तो इसका वेट को आप लोग अबव 33 या 34 या 35 के अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों की स्किन सेम इस तरह की है कि उसके ऊपर ज़्यादा डॉट नहीं है, ज़्यादा स्पॉट नहीं है, ठीक है, तो स्किन ज़्यादा गंदी नहीं है, तो आप लोग इसको अराउंड 22 के ऊपर जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं अराउंड 22 के ऊपर जो है यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने मिक्सल टूल ब्रश यहाँ पर सेलेक्ट की है। इसकी जो है मैंने यहाँ पर जो है इजीली सॉफ्ट राउंड ब्रश को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो आप लोगों की हैंड राइटिंग होगी इसको जो आप लोगों ने जीरो के ऊपर ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्ट राउंड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं जीरो के ऊपर कर लेता हूँ इस टूल्स को, और इसके ब्रश को जो है यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ब्रश को यूज़ करने का मेथड ये है कि आप लोग जैसे कि लेफ़्ट राइट ये देखें, ये लेफ़्ट राइट मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर भी आप लोगों को स्किन की स्मूथिंग चेक करवाऊँगा, बहुत अच्छी सी फंटेस्टिक जो है बन के आएगी। ये देखें, माउस के बटन को प्रेस किया हुआ है और इजीली इसको स्मूथली जो है स्लाइड करके रिटच कर रहा हूँ। ये देखें, और आप लोगों को ये बताऊं कि जहाँ पर ब्रश छोटा यूज़ होना है तो वहाँ पर आप लोग ब्रश को अराउंड छोटा ही यूज़ करें। ये देखें,
ये देखें अप डाउन अप डाउन, यहाँ पर अप डाउन करने की ज़रूरत थी, अप डाउन कर लिया, यहाँ पर भी अप डाउन करने की ज़रूरत है क्योंकि डार्क कलर जो है साइड पर शो हो रहा है। ये देखें देखें गाइस, ये वाइटिंग कलर है और ये डार्क कलर है, तो हमने ये नहीं करना कि डार्क कलर को हमने इधर वाइटिंग के अंदर मिक्स करना है, ये नहीं करना हमने, ठीक है। तो हमने ये किया कि वाइट को वाइट के अंदर रखा है, ठीक है, जैसे कि ये वाइट है, वाइट के अंदर ही हमने मिक्सिंग की है, ठीक है। तो डार्क को हमने डार्क के अंदर ही मिक्स किया है, ठीक है। तो ये चीज़ फोकस के अंदर रखा करें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ जब आप लोग फोकस के अंदर रखा करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी प्रोफेशनली रिटचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें फोकस के अंदर ज़रूर रखा करें, क्योंकि ये चीज़ आपके वर्क के अंदर काफ़ी आसानी पैदा करते हैं कि आप लोग ईजी वे के मेथड के साथ जो है स्किन की रिटचिंग प्रोफेशनल लुक के अंदर जो है कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, वेरी इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, कि अगर आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जो है बहुत अच्छे फंटेस्टिक जो है लुक परव्यू कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये देखें, वेरी इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ईजीली अराउंड हमारी यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है, ये देखें, यहाँ पर भी इसको नोज के अप डाउन अप डाउन, जैसे कि सीधी स्लाइड है, नोज सीधी है तो सीधे ही हम स्लाइड करेंगे। ये देखें, वेरी इजी सा मेथड है। तो इंशाल्लाह गाइस, आप लोग वर्क किया करें, मेहनत किया करें, ठीक है, इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस किया करें, जब तक आपका हैंड सेट नहीं हो रहा तो आप लोग प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो ये देखें, ईजी वे सा मेथड है, ईजीली जो है आप यहाँ पर स्किन की रिटचिंग कर सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी वे सा मेथड है। यहाँ पर राउंड इस साइड पर आ जाते हैं, इस साइड को भी हम कवर कर लेते हैं, जैसे कि वाइटिंग से मैं शुरू होता हूँ, इसको स्लाइड करके इस जगह के ऊपर जो है एडजस्ट करता हूँ। ये देखें, ये देखें, वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, देखिए मैं काफ़ी फास्टली वर्क कर रहा हूँ, मिक्सर टूल ब्रश से जो है आप लोगों का थोड़ा सा टाइम जरूर इंक्रीज होगा, लेकिन जो रिटच हो के आप लोगों के सामने स्किन आएगी तो वो हाई डेफिनेशन स्किन होगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी सी लुक भी परव्यू करेगा। इसके ऊपर जब हम फिल्टर वगैरह ऐड करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी सी लुक के अंदर हमारे सामने परव्यू होते हैं। ये देखें, आप लोगों को तीन पिक्चर्स का रिव्यू करवाऊंगा कि हमने तीन मेथड अप्लाई किए थे, तीन से चार मेथड अप्लाई करके पिक्चर्स को रीटच किया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज की भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक लगेगी। तो गाइस, यहाँ पर जो है स्किन की रीटचिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है, तो यहाँ पर आप लोगों का बिफोर आफ्टर शो करवा दूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सर ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर यूज़ कर लूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे से मिस्टेक रह जाती है, जैसे कि कलर्स के अंदर थोड़ी सी मिक्सिंग के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक रह जाती है, जो वो हम बाद में ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके कवर कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें, वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोग ये चीज़ को फोकस के अंदर रख के यूज़ किया करें, तो इंशाल्लाह आप लोग भी फंटेस्टिक जो है रिटच कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। इसको मैं सेव कर लेता हूँ फर्स्ट पिक्चर को, आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दिखाऊं कि इजी वे के मेथड साथ हमने स्किन की रिटचिंग की है। ये देखें, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, जितनी मर्जी जूमिंग कर लें, जैसे कि ये फेस के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट नॉइज देख रहे हैं, ये देखें, यहाँ पर अराउंड आइज के पास, ये देखें, थोड़ा सा जूम आउट, जूम आउट, फिर जूम आउट, ये देखें, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। देखें, आज मैंने आप लोगों के साथ स्किन का जो ब्रश है वो भी यूज़ किया है, एक्शन को भी यूज़ किया है, अब जो है मिक्सिंग टूल ब्रश की मदद से हमने इसको रीटच किया है। ये देखें, इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पर JPG फाइल, यहाँ पर इसके ऊपर लिख लेता हूँ मिक्सर, मिक्सचर, ठीक है, यहाँ पर मिक्सर मैंने सेव कर लिया फाइल का नेम, यहाँ पर राउंड लार्ज फाइल है, बेसिक स्टैंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ। तो गाइस, ये देखें, हमारी फर्स्ट जो थी पिक्चर स्मूथिंग थी, ठीक है, उसके बाद हमने एक्शन को यूज़ किया,
एक्शन को यूज़ करने के बाद हमने मिक्सर को यूज़ किया, ठीक है। अब इन तीनों पिक्चर्स के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दिखाऊंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ अच्छी लुक जो है पर व्यू होगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी स्किन के ऊपर जो थी स्मूथिंग थी, ये नेचुरल स्किन की रिटचिंग होगी और इसके ऊपर मिक्सर टू ब्रश को हमने यूज़ किया। ये देखें थ्री वे मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किए हैं कि थ्री वे के अंदर जो है आप लोग किस तरह जो है रीटच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश को यूज़ करते हुए, जैसे कि मैंने आपको लोगों के साथ आज ब्रश फ्री के अंदर शेयर किए, वो ब्रश को यूज़ किए हमने स्मूथ किए, यहाँ पर हमने नेचुरल स्किन की रिटचिंग की है, यहाँ पर हमने मिक्सर टू ब्रश की मदद से स्किन की रिटचिंग की है। तो इन सब पिक्चर्स के अंदर कुछ डिफरेंट है, जैसे कि ये पिक्चर थोड़ी सी हाईलाइट है जो कि मैंने मिक्सर टू ब्रश से की थी, ये जो है थोड़ी सी नेचुरल रीटचिंग की टाइप है, जैसे कि नेचुरल हमने स्किन की रीटचिंग की थी, स्किन के ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर रे हमारे पिक्चर जो है टेक्सचर्स के अंदर रीटच हो, ये हमारी टेक्सचर वाली स्किन की रीटचिंग है, ये हमारी स्मूथिंग रीटचिंग है, ठीक है। तो ये देखें ईजी वे के मैथड के साथ यहाँ पर आप लोगों के सामने ये शेयर की है कि आप लोग किस तरह अपनी पिक्चर्स को प्रोफेशनली लुक के अंदर जो है ग्रो कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को प्रोफेशनल लुक के अंदर जो है एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस इंशाल्लाह इस तरह की और भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करूँगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मज़ीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है, और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझे जो है कमेंट करके बताने के साथ, भाई आज की वीडियो हमें ऐसी लगी है। तो देन मज़ीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ये जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा, स्किन की स्मूथिंग है, स्किन का एक्शन है, और आप लोगों के साथ डिटेल जो है शेयर की है वो आप लोगों ने फुल एंड तक जरूर वॉच की होगी। तो इंशाल्लाह गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह नेगेबान।